हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पनीर रेसिपी सीरीज़ डे टू में आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का। तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए हमें उसका मैरिनेशन तैयार करना है, जिसके लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है। उसमें मैंने लाल मिर्ची मिलाई है, थोड़ा सा नमक मिलाया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल मिलाया है, देन मैंने थोड़ा सा नींबू का जूस मिलाया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद मैंने इसमें पनीर के क्यूब्स डाले हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है, उसके बाद इसमें प्याज डाली है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड उसके बाद इसको हम 5 से 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे, ताकि जो मैरिनेशन है वो सारी वेजिटेबल एंड पनीर पे अच्छे से स्टिक कर जाए। अब हमारा मैरिनेशन भी अच्छे से हो चुका है। ये जो स्क्यूअर है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आपको इजीली अमेजोन से ही मिल जाएगा। फिर इस स्क्यूअर में 1 by 1 सबसे पहले मैंने पनीर क्यूब्स लगाए हैं, देन कैप्सिकम, देन अनियन। तो अब स्क्यूअर्स में हमने सारी वेजिटेबल अच्छे से लगा ली हैं, अब हमें इसको सेकना है। तो गाइस, हम लोग के पास तंदूर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको घर पे जो गैस अवेलेबल है उसी पे ही हम सेकेंगे। तो मेरे पास ये स्टैंड था, आप ये स्टैंड भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास स्टैंड नहीं है तो आप इंडिविजुअली भी डायरेक्ट गैस पे भी इसको सेक सकते हैं। अच्छे से इसको दोनों साइड से सेकेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पनीर एंड जो वेजिटेबल है वो सेक जाती हैं, तो आप इसको निकाल के एक बर्तन में अलग कर लीजिए। इसको धनिया की चटनी एंड अनियन के साथ सर्व कीजिए। एंड गाइज, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा बना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज़।